For example, let's say 1, 2, 3, 4. So let's say if I am if I want to add some numbers, basically ek number append karna hai, so I will just use like this. And second. Numbers, yeah. So 5 append ho gaya, hai na? Alright. Iske baad, if you want to add multiple elements, hai na, multiple, acha short form nahi likhte. So numbers likha, numbers dot extend kiya. Kisko extend karna hai? एलिमेंट्स को, जैसे हमने दे दिया 6 7 8 9 एक साथ, तो नंबर्स को चेक करेंगे तो विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. अभी तो अभी तक हमने देखा कि व्हेन वी आर एडिंग नंबर्स, अपेंडिंग नंबर्स, तो क्या हो रहा है, एक लाइन से इट इज गेटिंग एडेड इन द लास्ट ऑफ द लिस्ट, है ना. Now, if you want to add elements in some between some of the index positions, so we'll use insert. है ना, अभी मान लो मुझे fourth position पर डालना हो, insert number. इंसर्ट मेथड लिखना हो तो मैं यहाँ पर लिख दिया नंबर्स, रन किया, तो है ना, ऑन द फोर्थ इंडेक्स नंबर आपको क्या दिख रहा है, इंसर्ट मेथड, क्लियर है. तो इसी तरह से रिमूवल मेथड्स भी हैं. रिमूवल के पहले हम कॉपी कर लेंगे लिस्ट को. तो जैसे एन यू एम बनाया मैंने नाम, और क्या कॉपी किया, नंबर्स का कॉपी. अच्छा, कितना रेंज का कॉपी करना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना. सॉरी कि कितने रेंज को आप कॉपी करना चाहते हैं. तो नंबर्स का कॉपी करने के बाद वी कैन, और लिस्ट में हमने पढ़ा है कि लिस्ट क्या होता है, म्यूचुअल होता है, मतलब आप नंबर्स को एक बार ऐड कर दिए हो तो आप रिमूव कर सकते हो, उस पर इंडेक्सिंग कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो, है ना. तो हम नाम चेक करेंगे तो हमको मिलेगा सेम. तो अब अगर बोलता हूँ कि आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ 500 नंबर्स, तो कैसे क्रिएट करेंगे लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ, सिंपल है ना, 500, ये लो प्रिंट कर लो, मिल गया, एकदम नॉर्मल. ना कोई फॉर नहीं लगाना है, कोई अपेंड नहीं करना है, कि फॉर आई इन सच रेंज अपेंड एवरी टाइम इन द लिस्ट, कुछ करना है क्या, नहीं, एक रेंज लगाया, लिस्ट लिख दिया, हो गया काम, दैट्स इट. तो इसके फर्स्ट 25 इटरेशंस प्रिंट कर दिए, तो ऐसा आ गया आपके पास. 25 पर क्यों जाते हैं, 20 तक ही ठीक है, तो क्या बॉर्डर में रहेगा, तो विल गेट आउटपुट. अभी इनमें इवन नंबर्स निकालने हो तो क्या करेंगे बताओ. इक्वल्स टू परसेंटेज 0 कर सकते, रिमाइंडर 0 मिलेगा. डायरेक्ट स्लाइसिंग नहीं कर सकते ऐसा,
अगर डायरेक्ट स्लाइसिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग स्टॉपिंग छोड़ के सिर्फ इंटरवल को दे देते हैं इवन नंबर, तो डायरेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे आपको 0 से 500 के बीच में। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट तक जा रहे हैं 500 तक, और 2 के इंटरवल्स पे जा रहे हैं। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या हो गया, सारे को 2 के इंटरवल्स पे प्रिंट करना है, तो हो गया प्रिंट। क्लियर हो गया कि सॉरी, नहीं? ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे? ऑड नंबर के लिए ओके, मतलब 2 के एडिशन में कर रहे हो ना आप? हाँ, समझा। अगर इवन चाहिए तो 0 से स्टार्ट करो, और चाहिए तो 1 से स्टार्ट करो। है ना, क्योंकि देखो वो भी मेथड रॉन्ग नहीं है कि आप आई लेके कर रहे हो, दैट इज नॉट अ रॉन्ग मेथड। प्रॉब्लम क्या है, ये इजी है ना। इजी मतलब कुछ करना ही नहीं है, लिखना है, स्लाइसिंग करना, एक ब्रैकेट लगाना, नंबर्स लिखने, खत्म। ठीक तो इसमें से रिमूवल करेंगे है ना। ये देखो अभी कोई ज्वाइन कर रहा है, युवांशी शर्मा, कौन है? हाँ वही है युवांशी। आज भी लेट हो आप, आपकी क्लासेस रहती हैं क्या? टाइम पे आ जाया करो। तो स्लाइसिंग्स में अगर मान लो कि लिस्ट ऑफ फर्स्ट 500 नंबर्स हैं, जो इनके फर्स्ट के 10 नंबर्स जो आ गए, मैं क्या करता हूँ कि लिस्ट ऑफ 25 नंबर्स, नेगेटिव 25 नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो वी कैन अपेंड इट देयर समवेयर, कैसे? लिस्ट ऑफ रेंज -25, तो क्या मिला आपको, कुछ मिला क्या? अभी मिला है ना? अरे कुछ समझ आया क्या? उधर तक प्रिंट करना है वैसे ना सर, मतलब हाँ, तो अभी देखो -25 से 0 ले लिए है ना। अब क्या करेंगे कि एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके लेफ्ट साइड पे इधर 25, इधर। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सॉरी डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसा रन, तो वैल्यूज तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, -25 से +25 तक। लेकिन हम दो लिस्ट को ज्वाइन करेंगे अभी है ना, कैसे देखेंगे। तो इसके फर्स्ट 5 वैल्यूज को देखा, हो गया। अभी एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसका रेंज होगा 25 तक का। कैसा? -25 से +25, मतलब रेंज होगा 50 तक का, काउंट 50 तक का होगा, काउंट 50 होगा इसका। कैसे होगा कि आप क्या करोगे, एक लिस्ट, अब देखो दो लिस्ट किस तरह से ऐड होंगे। अब करेंगे हम क्या कि लिस्ट ऑफ -25 जो ये -25 से 1 तक है, प्लस लिस्ट ऑफ 0, प्लस विल टेक लिस्ट ऑफ 500 नंबर्स, और कहाँ तक लेंगे 20, अच्छा 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे हम, 26 तक, तभी तो 25 तक आएगा है ना। चलो तो काउंट 50 होगा इसका, इधर 0 से स्टार्ट हुआ और 25 इधर 0 से, देखते हैं। तो लेंथ ऑफ न्यू
51 या 51 आएगा. अगर 0 को आप हटा दो तो यू विल गेट 50, नहीं तो यू विल गेट 51 ऑब्वियसली. चलो नाइस. तो आपके पास न्यू लिस्ट जो फॉर्म हो रहा है, हाउ इट लुक्स, आप इसका एक एरे क्रिएट कर लो, वो बेटर है. और विल लुक एट तो हमको एक एरे दिख रहा है जिसमें -25 से +25 तक नंबर्स आ गया. -25 से यू विल सी देयर एट अ -1 0 एंड देन 1 से लेकर 25. समझ आ गया है ना, इंडेक्सिंग कैसे किया आपने, समझ आ गया. अभी नेगेटिव इवन नंबर्स एंड पॉजिटिव इवन नंबर्स भी ले सकते हैं, कैसे, चलो इसको भी देखते हैं. कितना लिखा था इसमें, तो इतना ही था ना, -25 ही थे. तो चलो नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट, तो -25 में से अगर मैं इनको 2 के इंटरवल्स में लूँ, 0 लेकर 1 से 26 को 2 के इंटरवल्स में लूँ, और इसको मैं नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट को लेंथ देखूं, 27 आ रहा है. तो चेक करते हैं, अच्छा 26 इंक्लूडिंग 0 आएगा, 26 मतलब 13 अपसाइड फ्रॉम दिस, 13 फ्रॉम देयर. हाँ ठीक है, तो प्रिंट करेंगे तो -25 -23 -21 19, ये क्या है, -25 है ना आपका, एक सेकेंड. अच्छा 1 से आप ले गए हो, हाँ हाँ, आपको तो ये तो 0 से लेना है पहली बात, और ये -25 से स्टार्ट हुआ है ना, तो आपको इसको तो 1 से ही लेना होगा, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है. चेक करते हैं -24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6. हाँ अभी समझ आया चेंजेस. क्लियर है क्या, कोई डाउट स्लाइसिंग जो यहाँ किए 1 2 0 0 26 2, देखो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगा. अभी कोई डाउट है तो बताओ. है क्या, नहीं है युगांशी, आपको कोई डाउट है, आपको कुछ डाउट था ना, आपने भेजा था तो. नहीं वो हो गया था सर बाद में. हो गया ना, आप क्लास क्यों लेट आते हो, क्लासेस रहती हैं क्या आपकी? हाँ. तो वीडियो से रिकवर हो जा रहा है सब कुछ, फिर कुछ डाउट्स है? हाँ हाँ वो मैं साथ साथ कर लेती हूँ. ओके np.array नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट, चलो इंडेक्सिंग क्लियर हो गया, आगे देखते हैं. अभी व्हाट आर द फंक्शंस लेफ्ट, कॉपी हो गया. अब लेट्स से एक छोटा सा फंक्शन बना लिया जैसे num हमारे पास था, इसको क्लियर करना है, तो क्या करेंगे, डॉट क्लियर. Num dot clear. तो ये क्लियर हो गया. अब नाउ इफ यू सी num, तो एक ब्लैंक लिस्ट है, तो अगर इसका यूज नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे है ना. अभी हटाएंगे कैसे, डिलीट करके सीधा नाम लिख दो, कम्प्लीटली डिलीट. इसके बाद आप लिखोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा है ना, ये ऐसा. चलो ठीक है, चलो
अभी कितने फंक्शंस बच गए आपके? टैब, हाँ देखो एक्सटेंड हो गया, अकाउंट हो गया। अच्छा अकाउंट देख लेते हैं अभी। उसमें आपके पास जो इवन नंबर्स है ना, जैसे उसमें काउंट करने के कितने पॉजिटिव, कितने सारे जो हैं जो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, या ऐसे ही आपके पास जितने भी इवन नंबर्स आ गए हैं लिस्ट, तो अच्छा लिस्ट करके देखते हैं कुछ है क्या। लिस्ट ऑफ -25 नंबर्स में से इतने कितने हैं जो, कैसे टेस्ट करेंगे आप, काउंट कैसे करेंगे, इसमें से कुछ काउंट करना है। जैसे 24 कितने हैं, तो -24 हैं क्या? हाँ एक है, -24 काउंट बता दिया। इस तरीके से आपको काउंट मिल जाएगा उसमें। अब बचा रिमूवल मेथड्स, तो रिमूव कर देते हैं कहीं से। हमारे पास नंबर्स नाम का भी एक लिस्ट था, हाँ इनको लाते हैं। हाँ चलो अभी नंबर्स में से, चलो एक एलिमेंट जैसे हटाना है रहा या रिप्लेस करना रहा, तो रिप्लेस कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे 2 की जगह आप, मुझे लिखना है 22, कर दिया। नंबर्स को किया प्रिंट, तो आई गेट 22 देयर, आई गॉट इट। ओके चलो इसको चेंज करें थोड़ा। चेंज करके अब लेट्स से ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ से मुझे रिमूव करना है, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस एलिमेंट्स। क्या करूँगा? नंबर्स डॉट रिमूव, सॉरी रिमूव किया किसको? मान लो कि आई वॉन्ट टू रिमूव 5। इंडेक्स नंबर नहीं देना है आपको, एलिमेंट देना है, कौन सा एलिमेंट आपको रिमूव करना है। 5 दिया, नंबर्स पे गए, रन किया, आ गया 5 गया, है ना। डिस्कार्ड करना है, अच्छा डिस्कार्ड इसमें नहीं है सॉरी, है ना। तो नंबर्स डॉट है ना पॉप किया, तो पॉप का फंक्शन क्या है कि इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप पॉप करोगे आपको बताएगा कि विच फंक्शन इट हैज रिमूव्ड। तो 9 हटा दिया इसने, सिंपल है ना, 9 को इसने हटा दिया, तो यू गॉट द वैल्यू दैट 9 हैज बीन रिमूव्ड, सिंपल है ना। आगे देखते हैं, इंडेक्स इंसर्ट बस हो तो गया है ना। इंडेक्स नंबर किसी का जानना हो, जैसे नंबर्स में से रिमूव किया है आपने, अगर आपको इंडेक्स नंबर देखना है किसका, मान लो डबल एलिमेंट्स भी अगर प्रेजेंट है ना, तो जैसे ये एलिमेंट्स है 1 1 1 1, ऐसा कुछ दे दिया 2 3 4, या एक नॉर्मल एरे जैसे क्रिएट करते हैं ना, एरे ऑफ बोल दो कि मैं वंस का एरे क्रिएट कर लेता हूँ कुछ 5 नंबर्स लेके, तो क्या होगा एक ऐसा क्रिएट हो जाएगा। इसके अगर लिस्ट क्रिएट कर दूँ इस तरह से, तो एक वंस लिस्ट क्रिएट हो गया बेसिकली, है ना। तो ये ऐसा वंस लिस्ट अगर देखेंगे तो 1.0 ये सारे कुछ आ गए। अभी इनमें का इंडेक्स नंबर अगर आपको देखना है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगा सर्चिंग में कि इफ़ यू फाइंड इंडेक्स ऑफ 1 तो 0, क्योंकि सब तो फ्लोट है, तो क्या करोगे, फ्लोट चेक करोगे। अब फ्लोट चेक किया तो भी 0, क्यों? क्योंकि अब फ्लोट जो है 1 वो तो 0 पे ही है, समझे? तो कंफ्यूज नहीं होना है सर, रन कर रहे तो भी 0 आ रहा है, इंटीजर रन कर रहे तो भी 0 आ रहा है, और भी कुछ रन कर रहे तो भी 0 आ रहा है, स्ट्रिंग में रन करेंगे तो भी 0 आ रहा है, और 0 ही आएगा क्योंकि 1.0 तो 0 पे है, और बाकी आपको वैल्यूज मिलने भी नहीं मारे जिस पे, मान लो आपने बदल दिया है, आपने 0 का पोजीशन देके इसको 1 कर दिया। अब आपने वंस लिस्ट देखा तो आपने मान लो चेंज कर दिया, अब आप 1.0 रन करो, अरे अभी भी वही आ रहा है क्या?
डेट वेट नहीं था क्या? हाँ ये आया, अरे फिर जीरो कैसे? आंसर्स तो बदल गया क्या? हाँ अच्छा एक मिनट, एरे से उठाया ना, अरे एक वन मिनट, इसको देखो ये बेसिकली होता क्या, एरे और लिस्ट में यही डिफरेंस है। अगर मैंने वंस क्रिएट किया था फाइव का, तो बेसिकली सारे फ्लोट ही क्रिएट हुए थे, है ना? आप इधर पे डेटा पे करके बढ़िया एकदम इंटीजर दे दो 32 बिट्स का, ये पढ़ेंगे मतलब लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे ना नंपाई, तो पहला यही लाइब्रेरी होगा, नंपाई आएगा पे। ये पाइथन ख़त्म होते ही इसी पे जाएंगे, तो अभी इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी बेटर, है ना? क्योंकि डेटा टाइप अलग अलग के होते हैं, उसके बाद आप सर्च करोगे तो इट विल फाइनल। इंडेक्स ऐसे बताते हैं, तो अब एक से ज़्यादा इंडेक्स आपको मिलेगा भी नहीं, तो दिक्कत यही है कि इन लिस्ट अगर इफ़ यू हैव मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ अ सेम काइंड या सेम वैल्यू, तो यू विल यू कैनॉट गेट द सेम इंडेक्स, आपको इंडेक्स नंबर नहीं मिलेगा, दैट्स इट, सिंपल सा, समझ गए? काउंट आप कर लोगे कि कितना काउंट है उसका, लेकिन इंडेक्स नंबर यू विल नॉट गेट। अब डेटा टाइप वैरी करता है, तो एरे में यू हैव अ ऑप्शन फॉर दिस, पढ़ा है ना हमने एरे में, कौन सा ऑप्शन है? वेयर में जाके सीधा अगर आपने कुछ वैल्यू दिया जैसे वंस को इक्वल्स टू वन, कहाँ कहाँ है? अच्छा 1.0 कहाँ कहाँ है? अच्छा एरे नहीं है क्या? कन्वर्ट कर दिया था ना लिस्ट में, चलो इसका एरे क्रिएट कर दिया अगर, तो 1.001234 सब पोजीशन पे तो है, समझ गया बात को? एरे बेसिकली डेटा साइंस, ये नंपाई तो डेटा साइंस का है ना, तो ऑल अबाउट डेटा, लाइक आप डेटा को मिसमैच कर रहे हो, लिस्ट में उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं डेटा के साथ, सो उसी के लिए लाइब्रेरीज हैं हमारे पास। ओके चलो आगे देखते हैं, तो फंक्शंस क्लियर हो गया आई गेस, लिस्ट के सारे फंक्शंस सभी क्लियर हैं, है ना? कहाँ गए? अपेंड क्लियर, कॉपी काउंट एक्सटेंड इंसर्ट पॉप रिमूव रिवर्स, अच्छा सॉर्ट और रिमूव बच गया। चलो अभी ये नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट है जो, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट के कुछ नंबर्स को उठा के लाते हैं सैंपल के जैसे, ठीक है? तो इनमें से पांच नंबर निकाले और इसको एक RN लिस्ट में डाल देते हैं, रैंड लिस्ट, ठीक है? पांच नहीं, हाँ फाइव नंबर्स ही ठीक हैं, ये डाल दिए, तो रैंड लिस्ट को चेक कर लेते हैं, आ गया ये सारे नंबर्स। अब इनको सॉर्ट करना है, ठीक, क्या करेंगे? लिस्ट है, डॉट सॉर्ट लगा दिए, ये सॉर्ट हो गया, अब पहले से सॉर्टेड ही आया था लग रहा है, तो रैंड लिस्ट यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि आया क्या था? अच्छा ये सॉर्टेड आया है क्या? नहीं ना, हाँ रन किए सॉर्ट हो गया, क्लियर है क्या सबको? डाउट है कुछ? क्लियर है ना सबको? क्लियर है तने, निकुंज और युगांशी, तीन तो है। चलो ठीक, तो अभी इसको रिवर्स करना हो तो क्या करेंगे? वापस से रिवर्स कर देंगे, रिवर्स, ये तो शफल हो गया ना, आपको जो वैल्यूज मिल रहे हो वो तो शफल्ड वैल्यूज हैं, आप तो वो भी कर सकते हो ना, रैंडम डॉट कौन से फंक्शन लगेंगे, शफल, किसको शफल करना है, क्या नाम है इसका, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट का शफल करके पहले के पांच प्रिंट कर दो, तो क्या है नन टाइप ऑब्जेक्ट इज इन सब्सक्रिप्टेबल, कैसे भाई शफल हो गया ना, हाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट को प्रिंट करो, लो देखो सारे वैल्यूज ना इधर उधर हो गए, समझ गए बात को?
ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको रीशफल तो करेंगे नहीं, सॉर्ट कर देंगे बस। नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट का प्रिंट करके देख लो अरे वापस से। हो गया वापस सॉर्ट, समझे, यहाँ पे शफल भी हो गया। अगर यहाँ पे प्रिंट करते तो लिस्ट हैव लॉट ऑफ फीचर्स, है ना, सिर्फ उतना ही नहीं जो दिखता है। तो ये देखो शफल हो गया, सॉर्ट कर दिए सॉर्टिंग के बाद, ये वैल्यूज है, समझ के बाद। चलो तो यहाँ पे आपका लिस्ट हो गया खत्म। अच्छा रिवर्स बच गया, तो रिवर्स में अरे एकदम सिंपल सा है, नंबर्स बचा हुआ है क्या, हाँ इसको रिवर्स करते तो नंबर्स पहले ऐसा दिखता था, है ना, कई कई तो आजकल तो ऐड भी देखते होंगे, पहले ऐसा था फिर ऐसा था ऐसा हो गया, सिंपल है। रिवर्स के लिए नंबर्स लिए, टैप प्रेस करो, रन करो और ये पूरा रिवर्स्ड, ठीक है, सिंपल सा। अभी अनवांटेड जो जो है उनको हटा दो, नंबर्स का कोई नीड नहीं है, स्पेसेस बढ़ेंगे, हटा दो, हटा दिया। और कितने वेरिएबल्स हैं भाई, चेक कर लेते हैं, एल से कितने वेरिएबल्स बनाए हैं आपने, इंस्टेंस कितने हैं, लिस्ट ऑफ 500 नेगेटिव नंबर्स फंक्शंस। तो ऐसा करके आप देख सकते कि हमने लिस्ट पे कर लिया है ना। तो आगे अभी टपल्स देख लेते हैं। अभी टपल्स में क्या है, टपल्स बेसिकली देखो लिस्ट में व्हाट यू हैव, आप स्लाइसिंग कर सकते थे, यू कैन डू स्लाइसिंग्स, आप यू कैन डू इंडेक्सिंग, यू कैन बेसिकली लिस्ट आर अ काइंड ऑफ अ डेटा टाइप विच आर म्यूचुअल। एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में यही कहते हैं कि यू कैन एडिट इट, सिंपल सा चीज़ है, और क्या बोले इसमें। टपल्स में यू डोंट हैव, वंस यू डिफाइन यू डिफाइन, उसमें यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपने लिख दिया तो यू कैन नॉट चेंज, समझ गए बात को, लिख दिया तो एक बार हो गया, चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे इसके लिए, करते कुछ। तो टपल से अगर आप ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करने का तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना, ऐड करने के लिए है कुछ ऑप्शंस, देखते हैं, लेकिन उसको ऑफिशियल ऑप्शंस नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सर तो इंडेक्स लेके ऐड कर सकते हैं ना, उसका मतलब इंडेक्स देके वो नंबर से, अरे तो उसका काम नहीं होगा ना कुछ। देखो दिखाता हूँ, ये टपल्स है, मान लो ये हमको अभी क्या मिला, नंबर्स हैं, अभी कुछ बचा है क्या हमारे पास, नेगेटिव क्या बचा है, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट है, क्या है इसके अंदर, अच्छा यही है ना, चलो तो इसका एक टपल क्रिएट। अच्छा टपल देखो, पहले क्रिएट करने के पहले जैसे मान लो एस पी, अच्छा एस पी से क्यों जाए, पहले ये कहते थे कि एक एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, फंक्शन क्या करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट का, किसका प्रोडक्ट, एक्स और वाई का, हाँ दो नंबर्स दे दिया जाएगा, रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, एक्स प्लस वाई रिटर्न करेंगे, और क्या रिटर्न करेंगे, एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई भी रिटर्न करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा फंक्शन है, बन गया। अभी देखो एस पी ले लिया, एस पी में दे दिया क्या, ये सम एंड प्रोडक्ट ले लिया, अब लगा देते क्या इधर थ्री एंड फाइव, तो आंसर क्या क्या आना चाहिए, थ्री प्लस फाइव और थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव आएगा, मतलब एट और फिफ्टीन आना चाहिए आंसर, है ना, टपल में आएगा आंसर, ओके। अभी एस और पी इंडिविजुअली ले लिया और सेम चीज़ यही लगाया वापस, और वापस से सेम वैल्यूज, अभी क्या आंसर आना चाहिए, एस में जाके स्टोर होगा क्या सम, पी में जाके स्टोर क्या होगा प्रोडक्ट, देखो आंसर एस पी, एस और पी का वैल्यूज देखो 8 15, और फिर एस का वैल्यू 8, पी का वैल्यू 15। तो फंक्शंस में भी अगर टपल्स हैं तो इंडिविजुअली असाइन होते हैं। अभी टपल विथ वन एलिमेंट कैसे बनता है, एक एलिमेंट का लिस्ट बनता है ना, वैसे टपल का भी एक एलिमेंट से वी कैन क्रिएट टपल, नहीं तो पता चला ऐसा लिखे सर, आपने बोला सर कि पेरेंथेसिस में हम टपल डिफाइन करते हैं, तो ये तो हमने लिख दिया फाइव सर, तो टाइप ऑफ टी देख रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है टपल, ये तो इंटीजर बता रहा है, जबकि हम अगर ऐसा लिखते हैं कि एस इक्वल्स टू फाइव और टाइप ऑफ एस देखेंगे तो हमको पता चलेगा ये लिस्ट है ना, तो टपल्स आपने कहा कि पेरेंथेसिस में लिखते हैं तो ये तो गलत बता रहा है। तो सिंगल एलिमेंट के साथ इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट टपल, तो सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट होता है विद द एलिमेंट विद अ कॉमा, बस फिर आप एक्स एंड वाई दे दो या मल्टीपल टपल दे दो, आप ऐसा लिख दो 3x4 चलेगा, ऐसे रन कर लो, तो
सिंगल एलिमेंट टपल या मल्टीपल टपल ऐसा दिखेगा, 5×3×4 सिंपल। अभी टपल के कितने फंक्शन है देखोगे, ये देखो अभी सिंगल क्रॉस टपल डॉट टैब, ये देखो दो ही फंक्शन, काउंट और इंडेक्स बस। तो काउंट क्या करना है, कुछ है काउंट करने के लिए, 5 है चेक कर लो, 1 है बस, इससे ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं है, है ना। मल्टीपल भी हो गया तो मल्टीपल में आप क्या ही करोगे, इंडेक्स निकाल लो बस, इंडेक्स ऑफ 4, ये लो सिंपल सा चीज़ है। अभी इस पर भी जाकर ऐड करने हैं, अगर मान लो मुझे इस 5 के साथ एक और 5 ऐड करना है सिंगल एलिमेंट टपल में, क्या करूँगा, फंक्शंस है ही नहीं, कैसे ऐड करें, है क्या फंक्शंस बताओ, दिख रहा कुछ, जितने फंक्शंस होते हैं यहाँ दिखते हैं ना, कुछ कुछ फंक्शंस दिख रहा है अभी, कुछ नहीं दिख रहा, क्या किया जाए। तो अगर ऐसा लिखेंगे अपेंड तो फंक्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास, तो क्या करना चाहिए, इसको क्या करेंगे, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। करने के बाद अब लिस्ट में तो ऑप्शंस होते हैं डालने के लिए, तो क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट टपल का अपेंड करेंगे, अरे जिस पोजीशन में भी आपको डालना है या बदलना है, जो भी करना है, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर दीजिए, 5 को रिप्लेस करना है रिप्लेस कर दीजिए, ऐड करना है ऐड कर दीजिए, लिख दिया 5 आपने, बहुत अच्छे। अब क्या करोगे, ये सेम लाइन को कॉपी करना है एंड यू नीड टू पेस्ट इट इधर ऐसा एकदम। अब वो लिस्ट जो है उसको वापस से टपल पे कन्वर्ट कर दीजिए, और कन्वर्जन्स के बाद प्रिंट कर दीजिए और देखिए वैल्यू, समझ गए बात, अरे आया समझ में, बस यही है लिस्ट और टपल की कहानी, इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है, समझ गए लिस्ट कैसे चलता है, टपल कैसे चलता है, कैसे फंक्शंस काम करते हैं, भी क्लियर होगा मुझे लगता है, सबको क्लियर है, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा। चलो वीडियो इधर पे स्टॉप करते हैं।